यहां देखिए रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का दुनिया को बड़ा संदेश, युद्ध विराम तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर हाल में युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकाला जाए, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो पहले भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि राजनयिक कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके युद्ध विराम तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो बातें हैं, ये बातें भारत की तरफ से कहा जाना और ये कोशिशें जिसके बारे में मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में से जो एक्सर्प्ट मैंने आपके लिए निकाले और पॉइंट्स निकाले, अब जरा इसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। पहले मैं आशीष के पास चलना चाहता हूं। आशीष, गिवन द क्रेडिबिलिटी दैट इंडिया हैज, क्या ये आसान था या ये बहुत मुश्किल काम था, एक टाइट रोप वॉक जिसको हिंदुस्तान अंजाम दे रहा है वहां? बहुत बहुत मुश्किल काम है ये दिनेश जी, क्योंकि बनाने के लिए कम देश और कम लीडर्स जुटे हुए हैं, स्थिति को बिगाड़ने के लिए अपने अपने हितों के लिए बहुत लीडर्स और बड़े ताकतवर देश जुटे हुए हैं। युद्ध चलता रहे ये कई बड़े देश चाहते हैं। भारत बहुत ही इकलौता बड़ा देश है, बड़ा इकोनॉमी है, जो पूरी तरह से जल्द से जल्द रोकना चाह रहा है और एक नॉन अलाइंड पॉलिसी है। जैसा कि G20 के शेरपा इंडिया के अमिताभ कांत जी ने बताया कि भारत ही इकलौता देश है जो रशिया से भी बात करता है, अमेरिका से भी बात करता है। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको उन्होंने बहुत क्लियरली बताई कि किस तरह से उन मुद्दों को लेकर रशिया और G7 साथ में बैठ के बातचीत ही करने को तैयार नहीं थे। चीन और G7 साथ में बैठ के बातचीत करने को ही तैयार नहीं थे। भारत ने एक ना केवल मीडिएटर, ना ही एक ऑनेस्ट ब्रोकर वाली रोल यहाँ पर उन्होंने प्ले किया है, बल्कि एक मेजर लीडरशिप। यहाँ तक कि मुझे उस इंटरव्यू में अमिताभ कांत जी के एक्सप्लेनेशन में ये भी लगा कि कई जगहों पर भारत को असर्ट करना पड़ा कि आप लोग समझिए और वरना ये विश्व के लिए सही नहीं। ये देखिए आशीष कि आप असर्शन वाली पोजीशन में, इतनी बड़ी महाशक्तियों के सामने असर्शन की पोजीशन में तभी आ सकते हैं जब आपका कद वो हो जाए दुनिया में। और ये एक तरीके से एक बड़ा शुभ संकेत भी इसके साथ, ये जो शुभ संकेत है और जो चैलेंजेस है मैं दोनों समझूंगा। काटजू सर, आपके पास आने वाला हूं। यहां हिंदुस्तान के लिहाज से क्या ऐसा जिसको हम पॉजिटिव, बड़े पॉजिटिव के तौर पर देख सकते हैं, और ऐसा क्या इसमें छुपे हुए कई 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 जोखिम भी होते हैं, जरा उनको भी समझने की कोशिश करूंगा।